जो नया मॉनसून से पहले एक तरह से आ जाता है मुल्क में कुछ एरियाज पर, तो भलाई इलाके जो है उन पर, तो आज से पिंडी, इस्लामाबाद, गिरदनवा का एरिया और लाहौर में भी रात में इम्कान हो सकता है बारिश का। और इस तरह से वो मॉनसून अब आए, एक कंपोनेंट उनका शुमाल की तरफ जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट सिंध में कल से दाखिल होगा। बुनियादी तौर पर ये सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है, एक हवा का कम दबाव जिसे डिप्रेशन कहते हैं, लोअर प्रेशर स्ट्रांग होकर डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करके मौजूद है सेंट्रल इंडिया पर। और फिर जैसे राजस्थान पर आएगा तो कल से फिर ईस्टर्न सिंध में खासकर इम्कान होगा, थरपारकर, उमरकोट, बदी, मीरपुर खास और सांगड़ वगैरह में, खैरपुर में भी कुछ एरियाज में कल मुतवक्की है बारिश। और कहीं 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 लाइट रेन है, कहीं मॉडरेट रेन है, किसी किसी जगह पर हैवी स्पेल है, खासकर उमरकोट और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट दोनों में और मीरपुर खास के भी कुछ एरियाज में। फिर वही फैलते फैलते जाहिर है कराची पर भी उनका उन मानसून हवाओं की तरह से उसका असर होगा। परसों 4 सितंबर को कराची में इम्कान होगा आफ्टरनून में, इवनिंग में या फिर रात में, मतलब आफ्टरनून से इम्कान है ज़्यादा के लाइट टू मॉडरेट स्पेल है। कराची में भी बहुत हैवी स्पेल नहीं है, लेकिन सिंध के बस्ती और ज़ेरी सिंध के जितने इलाके हैं उधर ईस्ट की तरफ, यानी हैदराबाद से उस तरफ ईस्ट की तरफ, उन अजला में ज़्यादा अच्छी तेज़ बारिश है। इसके बाद देखिए लग रहा है कि पूरे मुल्क में इन्हें एक तरह से मानसून हवाएं आने का सिलसिला जो है एक तरह से उसमें ब्रेक आएगी, यानी अगला कोई एक आध हफ्ता ये स्पेल जो है ना कुछ एरियाज में तो